नीतीश कुमार आप लोग के पास अगर आएंगे तो आप लोग उनका स्वागत करिएगा उसी तरह जैसे आपका स्वागत कर रहे हैं। हम कहाँ किसी का स्वागत करने से नकारते हैं। भारत की संस्कृति है कि कोई भी आता है उसको आदमी में जो आएगा स्वागत करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में जिस प्रकार से वर्तमान सियासत चल रही है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कौन होता है कि हमारे पार्टी से कौन मंत्री बनेगा ये डिसाइड करने वाला। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड की दूरियाँ अब नज़र आ रही है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। ललन सिंह कह रहे हैं कि भाजपा कौन होता है, हमारे पार्टी का मंत्री कौन रहेगा डिसाइड करने वाला। मैं न भाजपा हूं न मैं ललन सिंह हूं, उन दोनों के बीच में क्या विषय है मैं उस पर कुछ भी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। वो जाने, उन लोग का काम जाने। तो भाजपा और जेडीयू में जो दूरी हो रही है तो इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा ना। हम फायदा केवल जनता की सोचते हैं, बाकी किसी की फायदा नहीं सोचते हैं। जिस तरीके से ललन सिंह जो बयान दे रहे हैं और भाजपा जिस तरह से चुप्पी साधे हुई है, तो क्या लग रहा है और जो कहा भी जा रहा है कि आरजेडी सरकार बना रही है, क्या ललन सिंह से हमारा विचार विमर्श होता है कि मैं बताऊं कि वो क्या बोल रहे हैं और उनको क्या बोलना चाहिए। वो अपने काम को कर रहे हैं दोनों, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसे राष्ट्रीय जनता दल के क्या मतलब। आप कहा ऐसा जा रहा है कि कल चार पार्टियों की विधायक दल की बैठक है और आपकी भी विधायक दल की बैठक है, क्या आखिरकार बात क्या है? मैं आपसे सुन रहा हूँ चार दल, हम तो जानते हैं एक दल राष्ट्रीय जनता दल का बैठक अपने सदस्यता अभियान की अंतिम बैठक कल कर रहे हैं और ये आज से तय नहीं पूर्व से तय है। ये तो 5.5 महीने का कार्यक्रम लगातार चल रहा था और चुनाव की तारीख 12-13 से है हमारे पास। इसी बीच में मुहर्रम के 2 दिन, राखी बंधन का 1 दिन, हमारे पास सब कोई समय नहीं था और इसलिए हमने बहुत हफ्तों पहले हमने इस तिथि को तय करके रखा है। इसलिए इसको किसी चीज़ से अन्यथा नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, कल विधायक दल की जो बैठक है इसमें लालू यादव भी जुड़ेंगे क्या बैठक में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमें तो लगता है कि अभी एम्स वालों ने इनको कहीं आने जाने की छूट नहीं दी है, तो कोई हमको तो नहीं समझ में आता है कि वो आएंगे। वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं क्या, वर्चुअल माध्यम से? नहीं, ये भी हमें जानकारी नहीं और कोई आवश्यकता भी उनकी नहीं, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्वाचन होना है। अंत में हमारी पूरी निर्वाचन का अंतिम परिणाम राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। चल, नीतीश कुमार आप लोग के पास अगर आएंगे तो आप लोग उनका स्वागत करिएगा उसी तरह जैसे आपका स्वागत कर रहे हैं। हम कहाँ किसी का स्वागत करने से नकारते हैं। भारत की संस्कृति है कि कोई भी आता है तो उसको आदमी ने मना नहीं कर सकता है। चाय भी पिलाइएगा। मना नहीं कर सकता है। हाँ, आप लोग आए हो, मैं स्वागत कर रहा हूँ। जो आएगा स्वागत करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। जनता के मुद्दे को लेकर अगर साथ में सरकार बनाने की बात करते हैं नीतीश कुमार, तो क्या कहिएगा? तुम्हारी अगर मगर का जवाब आपके पास होगा, हमारे पास नहीं है। हम बहुत स्पष्ट कर चुके, हमारी सारी नीतियां जनता के सामने है, समाजवाद का, सोशल जस्टिस और आर्थिक न्याय, ये हमारा नीतियां हैं। उस नीतियों को स्वीकारने वाले लोग ही से हमारा कोई संपर्क है, बाकी से कोई संपर्क नहीं है। जनता के हित के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? जनता के हित के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि वो करेंगे जो जनता से हमारा वादा है। क्या वादा है? वादा है, हमारा वादा है कि बेरोजगारी खतरनाक स्थिति में है, हमारा वादा है कि हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको संपन्न बनाएंगे, उनके साथ न्याय करेंगे, हम उनको तन दवाई देंगे, सिंचाई का काम करेंगे,
और तकलीफ पदी जनता को कोई देता है तो उसकी सुनवाई भी करेंगे, सुनवाई ही नहीं करेंगे दंडित भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। वर्तमान सरकार से तो ये सब चीज़ पूरा नहीं ना हो रहा है, इसके लिए तो बदलना ना पड़ेगा। वर्तमान सरकार की अपनी नीतियाँ हैं और जनता ने उसी नीति को नकारा। ये तो अडानी अंबानी की दौलत की बदौलत लोग यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, वरना जनता के कहाँ से उनको कहीं से मिला है कोई समर्थन। एक सवाल है सर, ये आखिरी सवाल रहेगा मेरा, नीतीश कुमार जब जब भी बीजेपी से दूरियां बनाते हैं तो वो सहारा आप ही लोग देते हैं उनको, पिछली बार भी आप ही ने उनको रखा था, साथ में चुनाव भी लड़ा था। हम केवल जनता को सहारा देते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। चुनाव लड़े थे ना, जैसे अभी आपको हम सहयोग कर रहे हैं कि आपके भी तो जो सुनने वाले श्रोता देखने वाले हैं उनको आप सुना सके, हमारा काम है सबको सहयोग करना। बस शर्त यही कि कोई ऐसी चर्चा न करें जो जन विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, उन्माद और दंगा से जुड़ा हुआ न हो। भाजपा छोड़ के आएंगे ये सब बात अगर नहीं होंगे तो सरकार बना लेंगे। हमारा अंतिम सवाल हो चुका। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी आएगा तो हम उन्हें स्वागत भी करेंगे और देखना है कि आगे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो क्या होता है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।